हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट के जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन से स्टेट के ओपन है और कहाँ के क्लोज हो चुके हैं। इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और नीट काउंसलिंग के बारे में तो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे ही। तो लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। कि वीडियो बनाने का एक ही रीजन है कि आपसे कोई भी स्टेट ना छूटे जहाँ की कट ऑफ कम रहती है और आपको एडमिशन मिलने से कोई दिक्कत ना हो, कोई चुके नहीं आप में से कोई भी स्टूडेंट। मैं बार बार आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट जो आप करते हो उनका भी रिप्लाई करूँ, उसी कमेंट के नीचे आपका आंसर देके आपको सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू यहाँ करता रहूँगा अपडेट आपको। तो यहाँ पर आज के वीडियो में अपन बात करेंगे उन स्टेट के बारे में जिनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्टेड है या फिर कब तक बंद होने वाले हैं और किन स्टेट के रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको करना ये होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके सामने है, डिजिटल तरीके से कुछ नहीं करता मैं, ओनली खुद की मेहनत से सारे काम करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पे आता है केरला स्टेट। तो केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन जो कि रेड में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि क्लोज हो चुके हैं, लेकिन अभी इनकी साइट अपडेटेड है, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको अपना नीट का स्कोर और जो उनका कोर्स है वो आप अपडेट कर सकते हो। कोर्स का मतलब क्या है कि जिन्होंने BDS कर रखा था वो MBBS कर सकते हैं, जो MBBS नहीं करना चाहते वो BMS कर सकते हैं, जो BDS करना चाहते हैं या फिर नर्सिंग करना चाहते हैं वो वाली चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो जिन्होंने किया हुआ है पहले रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आपको पता है कि ये वाले रजिस्ट्रेशन जो है पहले हो जाते हैं एग्जाम से, तो यहाँ पर अब उनको अपडेट तो करना ही पड़ती है। नंबर दो पे आता है तमिलनाडु स्टेट। तो तमिलनाडु स्टेट का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 12 जुलाई, यानी कि आज 12 जुलाई है। तो आज आप जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर इसके बाद देख रहे हो तो इसके भी क्लोज हो जाएंगे, लेकिन अगर आज आपने तुरंत वीडियो देख लिया है जो कि 12 जुलाई तक आप इसका अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक्सटेंड की गई है, इसके ऊपर एक्सटेंड की गई है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि चीज़ें एक्सटेंड की हुई है, वरना यहाँ की लास्ट डेट यहाँ पर नहीं थी। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ओनली स्टेट के डोमिसाइल जो कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन स्टेट यानी कि ऑल इंडिया कोटे के लिए सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं फिलहाल जो हो रहे हैं वो जो स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए हो रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना का यहाँ ये भी एक ओपन स्टेट है, यानी कि यहाँ पर भी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑल इंडिया कोटे से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। सी आपको दिख नहीं रही है, मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी में होता क्या है, कैटेगरी ए में होता यह है कि इसमें ओनली तेलंगाना स्टेट के कैंडिडेट जो है 85% जो कोटा होता है स्टेट कोटा, उसके लिए MBBS सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओनली, बाकी कोई भी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई नहीं कर सकता। तो एक कैटेगरी आपको समझ आ गई होगी, अगर जिनको समझ नहीं आ रही है तो सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। कैटेगरी बी में है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए ओनली डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी बी जो है सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी सी जो है NRI कैंडिडेट के लिए, यानी कि कैटेगरी सी के अंदर NRI कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया तेलंगाना स्टेट के लिए कि कौन कौन से कैटेगरी होती है और क्या इसमें होता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है बाद में स्टार्ट होंगे, अभी फिलहाल नहीं हुए हैं, बाकी चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई, तो रजिस्ट्रेशन बाद में स्टार्ट होंगे, वो आपको मैं बता दूंगा जब भी स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं असम स्टेट। तो असम के रजिस्ट्रेशन जो ओनली स्पेशल कैटेगरी के लिए ही रजिस्ट्रेशन ओपन है फिलहाल, और ये जो लास्ट डेट है इनकी 14th of July है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है www.dme.assam.gov.in, इसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल कैटेगरी कौन कौन से, स्पेशल कैटेगरी के अंदर जैसे कि स्पोर्ट्स आ गया, डिफेंस आ गया, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं
इन सारे जो इन कैटेगरीज में जो भी आते हैं तो वो उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन है फिलहाल असम स्टेट के लिए। बाकी सभी स्टूडेंट के लिए जैसे ही ओपन होंगे हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना होगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। बाकी लोगों को भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है मेघालय। तो मेघालय के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लास्ट डेट है 14 जुलाई, यानी कि आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आप 14 जुलाई से पहले पहले ये वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर इसके बाद अगर आप करोगे तो आपको आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। बात आती है कि सर अब आप में से क्वेश्चन उठा सकते हो कि सर जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने सभी के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। आप चैनल पे देखोगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इसका इसकी कोई कंप्लेन आप नहीं कर सकते कि आपने वीडियो बना के बताया नहीं है। तो हमने वीडियो एक एक सबका बनाया हुआ है तो आप उसको चेक करो। बाकी और भी मैं आपको जो है वहाँ पर वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इसकी वेबसाइट होगी मेघालय की NEIGRIHMS.gov.in के ऊपर आप जो है सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ के अगर आपको बताऊँ मैं बात कि यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म फिल होंगे और आपको चालान फिल करके उसको बैंक में सबमिट करवाना होगा, तो यानी कि बैंक से चालान कटता है तो ऑफलाइन मोड पे सारी चीज़ें होगी। तो जैसे ही साइट पे जाओगे तो आपको फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ से आप फॉर्म फिल करोगे और वहाँ उसको आप बैंक में जाके सबमिट करवाओगे। तो ये सारी डिटेल थी, बाकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं आप वहाँ जाके चीज़ों को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी काउंसलिंग एमसीसी की काउंसलिंग से पहले ही हो जाती है, तो आपको ये पता होगा कि इसका शेड्यूल जो है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन इसके 18 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फर्स्ट राउंड के लिए। तो फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्टेड हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 18 जुलाई से पहले तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अगर आपने नहीं करवाया है तो। बाकी मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा क्योंकि बाकी मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, पूरा शेड्यूल डिस्कस किया हुआ है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख सकते हो, वीडियो जाके चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी फिर भी मैंने यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह बताई है इस वीडियो में ताकि आपका हेल्प हो जाए, आपकी अवेयरनेस के लिए मैंने एक ये वीडियो फिर से डाला है ताकि जो जिन बच्चों से थोड़ी गलती हो जाती है उनको सुधारने का मौका मिल जाए। तो ये था बताने का रीज़न। अब बाकी बात कर लेते हैं एकदम शॉर्ट में, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ को समरी करके इन स्टेट के अपडेट में बता देता हूँ। जैसे कि हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, तो यहाँ पर जो है एडमिशन प्रोसीजर पब्लिश हो चुका है हरियाणा का, जम्मू एंड कश्मीर, बाकी सारी चीज़ों का जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है जो कि मैंने आपको चैनल पे ऊपर अपडेट कर भी दिया था। अब बात करते हैं वो स्टेट जिनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। तो ये स्टेट आपके सामने हैं केरला, आईपीयू, दिल्ली और मणिपुर, इनके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। तो अगर जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो अब कर भी नहीं सकते हैं। तो ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ के रजिस्ट्रेशन ओपन है और कहाँ के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। तो ये वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि अगर कोई बच्चा भूल भी गया है, हमारा काम है जानकारी देना, तो हमने अपडेट कर दिया है चीज़ों के बारे में। अगर किसी से गलती से रह गया है तो आप यहाँ पर चीज़ें को सुधार सकते हो। और वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आपको अवेयरनेस टाइम टू टाइम किया जाए, काउंसलिंग से किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाए। तो ये सारी चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, लाइक कर देना अभी से और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ताकि सबका फ़ायदा हो पाए और किसी से भी कोई भी चीज़ें मिस नहीं हो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी आपको। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। बाकी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको फ़ायदा होगा उन देखोगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।